हाय दोस्तों, टीवी फूड लैब में आपका स्वागत है फिर से। आज हम एक बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भिंडी फ्राई। बहुत ही फेमस रेसिपी नॉर्थ इंडिया से, और जनरली आपके दाल के साथ, या आपके पास टाइम नहीं है तो क्विकली आप इसको कहीं बना सकते हैं, क्योंकि हार्डली 10 से 15 मिनट लेता है ये। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। भिंडी फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है छोटी कटी हुई भिंडियाँ। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भिंडियाँ आप कट कर रहे हैं उसको बहुत छोटा ना काटें, क्योंकि अगर बहुत छोटा काटेंगे तो भिंडी पकने के बाद गल जाती है। ठीक है, सो एक बड़ी पीसेस काटेंगे भिंडी की। भिंडी काटने से पहले आप इसको अच्छी तरह से धो लीजिए, धो के एक कपड़े से सुखा लीजिए, उसके बाद काटिए। कभी भी भिंडी काटने के बाद ना धोएं, नहीं तो उसमें लिसलापन आ जाता है। इसके साथ हमें जो चाहिए वो है जीरा, करीब करीब 1 चम्मच, और 4 से 5 लाल मिर्च, डिपेंड करता है कि आपको कितना तीखा चाहिए। और उसके साथ साथ चाहिए हमें हींग। हींग एक अच्छा टेस्ट लाता है और साथ में आपका पेट भी सही लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे एक नॉन स्टिक कढ़ाई, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, या तो आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई में क्या होता है कि आप कम ऑयल में काम चला सकते हैं और खाना चिपकता नहीं है। एक बात का और ध्यान रखें कि ऑयल बहुत कम ना डालें, क्योंकि भिंडी जब पकनी शुरू होती है तो फिर ये लगने लगती है, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, वेट करेंगे ऑयल का गर्म होने का। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हींग, फिर डालेंगे जीरा, और साथ ही साथ डालेंगे हम लाल मिर्च। थोड़ा सा इसको सॉटे कर लें, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। और अब हम भिंडी इसमें पूरी तरह से डाल देते हैं। भिंडी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चला लें। भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसको हम एकदम धीमी आंच पे, आज एकदम धीमा कर लेंगे हम, और इसको हम ढक देंगे। तो इसको हम ढक के अभी छोड़ देंगे, और हर 5 से 7 मिनट में एक बार हम खोल के देखेंगे कि कहीं भिंडी लगने रही हो, और साथ ही साथ उसको एक बार चला भी लेंगे ताकि पूरी हर तरह से भिंडी पकनी शुरू हो जाए। नहीं तो अगर हम वैसे ही छोड़ देते हैं तो खाली नीचे का पार्ट ज़्यादा पक जाता है, ऊपर का हल्का रहता है, और नीचे लगना भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम हर 5 से 7 मिनट में एक बार उसको ढक्कन हटा के चला लेंगे। सो 10 मिनट के बाद अगर आप देखें तो भिंडी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक मैंने पहले से ही डाला, क्योंकि नमक अगर आप पहले डाल देंगे तो नमक पानी छोड़ने लगता है और भिंडी लसलसी हो जाती है थोड़ी सी। तो अगर आपको क्रिस्पी भिंडी चाहिए तो नमक एकदम लास्ट में डालिए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, मेरा तो काफ़ी कम होता है, बट अगेन जैसे बोला आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक उसमें डाल सकते हैं। 5 मिनट और आपकी भिंडी है रेडी। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं भिंडी हो चुकी है रेडी। सो ये है हमारी भिंडी फ्राई। अब इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन, आप अगर खाना चाहें तो इसके साथ आप बना सकते हैं गर्मा गर्म पराठे। सो भिंडी फ्राई और पराठे, या तो आप बना सकते हैं दाल चावल, जिसके साथ भिंडी फ्राई बहुत ही आराम से जाती है। ठीक है, तो अनटिल नेक्स्ट रेसिपी, होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं ऐसे ही और रेसिपीज अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू।